हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धर्मंत्रा चैनल। 20 अगस्त 2018 को यस बैंक ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 404 रुपये का। सो दोस्तों, उस समय की जो बैलेंस शीट थी उसको हम स्टडी करेंगे आज 2020 के पीरियड से, जब यस बैंक में मोरेटोरियम का पीरियड लगा था और यस बैंक का शेयर 12 रुपये तक पहुँच गया था। उसके बाद देखिए काफ़ी सुधार आया यस बैंक की बैलेंस शीट में और आज हम 2024 में बैठे हैं। 3 महीने की बैलेंस शीट हमें ऑलरेडी पता चल चुकी है, 3 महीने का जो हमको इनकम स्टेटमेंट है वो हमें पता चल गया है। सो हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि यस बैंक की बैलेंस शीट में कितना एक्सपेंशन हो कि ये एक मल्टीबैगर शेयर बन जाए। देखिए दोस्तों, अप्रैल और मई के महीने में इलेक्शन आने वाले हैं और जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया है, अब की बार 400 पार। अगर मोदी सरकार 400 का आंकड़ा पार कर लेती है तो भारत का जो 7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना है वो साकार होता हुआ दिखेगा। और जब इकोनॉमी 7 ट्रिलियन की तरफ बढ़ेगी तो बैंकिंग सेक्टर में जो विस्तार होगा, जो ग्रोथ होगा, उसमें जितने भी बैंक के शेयर हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक के हों या पब्लिक सेक्टर के बैंक हों, सभी ग्रो करेंगे। सो हमें 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना बहुत ज़रूरी है, तभी यस बैंक का भी सपना एक मल्टीबैगर शेयर के रूप में साकार होगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और हमें यहाँ पर बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी एनालिसिस क्या है। ये कोई शेयर को बाय करने का रिकमेंडेशन नहीं है, एक टेक्निकल स्टडी करी है और आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही कोई खरीद फरोख्त करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। दोस्तों, आज मेरे डिजिटल पेन में इशू है तो आप मेरे जो ये कर्सर हिल रहा है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। ये जहाँ जहाँ मैं ले जाऊँगा आप वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जब भी आप कोई बैंकिंग सेक्टर के शेयर के एनालिसिस करते हैं और ये प्रोजेक्शन करना चाहते हैं कि भविष्य में इस शेयर का प्राइस क्या हो सकता है, तो देखिए 3 चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। एक होता है रिटर्न ऑन एसेट। रिटर्न ऑन एसेट क्या होता है? जो आपका नेट इनकम होता है, जब आप उसको एवरेज टोटल एसेट से डिवाइड करते हैं तो रिटर्न ऑन एसेट का फिगर आता है। एक दूसरी जो इम्पोर्टेंट फिगर होती है उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। और तीसरी जो चीज़ें हैं वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। आज हम फोकस करेंगे रिटर्न ऑन एसेट पे। तो ये देखिए, रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पर आप देखेंगे अभी पिछले 3 महीनों में जो यस बैंक का आया है वो करीब आ रहा है 0.3% पे। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 18 में जब यस बैंक ने 20 अगस्त 2018 को 404, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 404 रुपये का हाईएस्ट प्राइस टच किया था, उस साल में जो रिटर्न ऑन एसेट था यस बैंक का वो 1.60% था। तो मोटा मोटी आप ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर कर भी लेना तो अगर यस बैंक का आने वाले समय में रिटर्न ऑन एसेट वापस 1.60 पहुंच जाता है तो आप मान के चलिए यस बैंक का जो प्राइस है, जैसे आज 25 रुपया है, 5 गुना लगा लीजिए, करीब 125 रुपये आपको दिखेगा, 100% दिखेगा। तो रिटर्न ऑन एसेट देखिए, अभी अगर आप यस बैंक के एमडी का स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उन्होंने वो भी ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसको 1 पे तो ले आया जाए, 0.80 पे ले आए। तो जैसे जैसे आपको इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगा ना, आपको यस बैंक के शेयर प्राइस में भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। देखिए, इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है प्रॉफिट से। पिछले क्वार्टर में यस बैंक ने कितना प्रॉफिट कमाया था? 240 करोड़। आपको पता है व्हाट वाज द प्रॉफिट ऑफ ICICI बैंक इन द लास्ट क्वार्टर? 12,000 करोड़, 12,000 करोड़, ऑलमोस्ट 60 टाइम्स। 2400 करोड़ प्रॉफिट जो था वो कोटक बैंक का था, मतलब करीब 8 गुना प्रॉफिट ज़्यादा, 10 गुना। सो अभी मैं आपको देखिए ये स्लाइड दिखाता हूँ, ये देखिए आप ये देख रहे हैं, यस ICICI बैंक का जो ROA है वो है 1.73, एक्सिस बैंक का कितना है 0.80, कोटक बैंक का देखिए 2.40, SBIN का देखिए 0.93, HDFC बैंक का देखिए 1.81, यस बैंक का देखिए 0.30। तो अगर भविष्य में इन लोगों, अगर भविष्य में यस बैंक सारे बैंकों को टारगेट करे कि भाई हमारा आरओ भी वहाँ पहुँच जाए, आधा भी पहुँच जाए, तो देखिए 100 रुपये 80 रुपये से यस बैंक को प्राइस के पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये चीज़ें पहुँचेंगी कैसे, तो ये देखिए एक फॉर्मूला देख लीजिए। जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो 3 चीज़ों पे बहुत डिपेंड करता है, व्हाट इज योर कॉस्ट ऑफ फंड, व्हाट इज योर क्रेडिट कॉस्ट एंड व्हाट इज योर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये तीनों फिगर
जितनी कम होंगी उतना ज्यादा आपका रिटर्न ऑन एसेट होगा। अब हम यहाँ पे एक चीज देखिए, पहला स्लाइड फिर से ले आते हैं। देखिए एक एरिया ऑफ कंसर्न मैं बता दूं, देखिए 2018 में जो एडवांसेस के लेवल थे 2,03,534 करोड़, देखिए लगभग उसी स्थिति पे 6 साल बाद यस बैंक बैठा है। कहने का मतलब पिछले 6 साल में यस बैंक सिर्फ वही किया है जो 2018 में हो रहा था, लेकिन उसका मेजर कारण तो आपको पता है कि जो मोरेटोरियम पीरियड था बीच में, जो खतरनाक पीरियड यस बैंक के लिए आया था, तो आज आप देखेंगे 2018 के लेवल पे पहुंच गया। तो आने वाले जो 6 साल है वो यस बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम लोग जो भी मल्टी बैगर होने की बात करते हैं, चर्चा करते हैं, या सपने देखते हैं, या जो भी करते हैं, तो आपको थोड़ा सा नजरिया लंबा रखना पड़ेगा। क्योंकि जो देखिए रिटर्न ऑन एसेट्स की हम बात कर रहे हैं, उसमें रातों रात इतनी जल्दी तब्दीली नहीं आती है, थोड़ा टाइम तो लगता है। डिपॉजिट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ज्यादा हुआ है, 2 लाख करोड़ था उस समय, अभी 2,40,000 का आंकड़ा दिख रहा है। लेकिन देखिए एक एक प्रॉब्लमेटिक एरिया मैं आपको बताता हूँ। जो काजा डिपॉजिट था वो 2018 में 73,176 करोड़ था, लेकिन आज देखिए वो घटा हुआ दिख रहा है 71,749 करोड़। और जो काजा रेशियो है वो 36% था, वो आज 29% हो गया है। ये फिगर जो है ना काजा रेशियो की, ये यस बैंक को कम से कम 40% पे लाने पड़ेंगे। आप हर क्वार्टर में ये फिगर देखना, जिस दिन आपको 40% दिखेगी ना, आप देखिएगा यस बैंक का शेयर मल्टी बैगर आपको दिखेगा। ग्रॉस ये देखिए, ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट जो है ये 2% पे है। अब बाकी बैंकों का देखिए, वो 1% से कम दिखेंगे। ये देखिए नेट नेट परफॉर्मिंग एसेट्स, ये भी 0.9% है। आईसीआईसीआई बैंक का तो आपको बहुत कम दिखेगा। तो यहाँ पे बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अभी मैं आपको एक आंकड़ा और दिखाता हूँ, ये देखिए इस चार्ट को देखिए आप। देखिए जो इंटरेस्ट इनकम है यस बैंक के 6.7% है, और बड़े बैंकों में देखिए 7.1% है। यहाँ पे बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आप यहाँ पे आप आइए देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यस बैंक का ओनली 0.3%, बड़े बैंकों का देखिए 2.4%, 8 टाइम्स उनका ज्यादा है। कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है यहाँ पर। ये कैसे आएगा, इसके लिए आपको एडवांसेस भी बढ़ाने पड़ेंगे, आपको डिपॉजिट ग्रोथ में कम से कम मल्टी फोल्ड इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। देखिए मैं बात कर रहा था काजा डिपॉजिट में, सेविंग अकाउंट का जो परसेंटेज है काजा डिपॉजिट में यस बैंक का देखिए सिर्फ 9.4%, बड़े बैंकों का देखिए 23.1%। एफडी में तो देखिए यस बैंक ज्यादा एफडी ले रहा है, एफडी लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा देना पड़ता है, ज्यादा इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट मार्जिन कम हो जाता है। बोरोइंग देखिए, बोरो करके यस बैंक 21.8% टोटल जो उसमें लेंडेबल रिसोर्सेज हैं उसमें देखिए सबसे ज्यादा इसका योगदान है बोरोइंग का। अब बोरोइंग हायर कॉस्ट पे आती है। मिड साइज बैंकों में देखिए 9.2% है, और जो लार्ज साइज के बैंक हैं वहाँ 9.5% है। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है दोस्तों। हम बहुत ज्यादा एनालिसिस अगले वीडियो में करेंगे। हमने आपको रफली ये बता दिया है कि अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि यस बैंक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पे बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव आने के लिए भारत की जीडीपी में भी बदलाव आना लाजमी होगा। देखिए हम हमने ये सुना है और देखा है कि आने वाले समय में हमारी जो सरकार है वो 7 ट्रिलियन इकोनॉमी को टारगेट कर रही है। और मैंने जैसे आपको अपने थंबनेल में भी बताया था, अब की बार 400 पार। देखिए 400 पार का आंकड़ा अगर बीजेपी को आता है इस इलेक्शन में, तो 5 साल जो स्टेबल सरकार बनेगी तो 60 ट्रिलियन इकोनॉमी का आना देखिए बहुत सी मामूली बात है। और जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो देखिए जीडीपी जैसे जैसे ग्रो करती है, बैंकिंग सेक्टर में जो क्रेडिट का ग्रोथ है वो भी बढ़ता है। और जब 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, उस समय आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना जीडीपी बढ़ जाएगा और कितना ज्यादा आपको बैंकों के परफॉर्मेंस में दिखेगा। आईसीआईसीआई बैंक देखिए आकाश छूता रहेगा, एक्सिस बैंक बहुत बढ़ जाएगा, यस बैंक आगे बहुत डेवलप कर सकता है अगर कोई स्पेशल कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अभी तक जैसा यस बैंक का मैनेजमेंट कर रहा है, देखिए जो पूरा इकोसिस्टम बड़ा हो जाएगा तो सारे बैंक उसमें बड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने कोशिश किया है कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से एक एनालिसिस करें और ये आपको बताने की कोशिश करें कि यस बैंक का शेयर कैसे भविष्य में मल्टी बैगर बन सकता है। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए इस सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल को,
और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए रियल टाइम में। आज हमने वहाँ भी बताया था कि यस बैंक में आज थोड़ी सी गिरावट दिखेगी, और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, कई चीज़ें रियल टाइम में अपडेट की जाती हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन टुमारो, थैंक यू।